अग्निवीर वायु भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है भारतीय वायु सेना में अगर आप अग्निवीर बनना चाहते हैं नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है सारी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वैसे इसके लिए जो क्वालिफिकेशन uh, रिक्वायरमेंट है वो है ट्वेल्थ पास ट्वेल्थ पास आउट कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं इसके पहले इंडियन आर्मी में अग्निवीर भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था एंड अभी भारतीय वायुसेना यानी एयरफोर्स में अग्निवीर वायु के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है सो so, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं एक बार आप भी नोटिफिकेशन चेक ज़रूर कीजिएगा वैसे इस वीडियो में मैं आपके सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्लियर करूंगी कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं यानी सारी इंपॉर्टेंट डेट्स एंड एलिजिबिलिटी कंडीशंस को लेकर के फिजिकल रिक्वायरमेंट को लेकर के सारे पॉइंट्स आपके इस वीडियो में क्लियर करूंगी सो so, फ्रेंड्स मैं हूं आस्था एंड वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन सो so, ये नोटिफिकेशन है आप यहाँ पर देख रहे हैं और यहाँ आप देखेंगे इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमेरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन टेस्ट फॉर अग्निवीर वायू इंटेक टू जीरो टू सलेस टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री अंडर अग्निपथ स्कीम एंड इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट है सत्रह मार्च सत्रह मार्च से स्टार्ट होंगे इकतीस मार्च इसकी लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो बीस मई दो हजार तेईस से रहेगा ठीक है सो so, यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों ही इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं अप्लाई कर सकते हैं एंड इसमें हम अब इसकी पॉइंट्स देख लेते हैं सारे ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन डेट हमने देख ली है सत्रह मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इसकी लास्ट रहेगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले एलिजिबिलिटी में इस क्राइटेरिया देखेंगे एज जो आपकी है डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक तो कैंडिडेट वॉर्न बिटवीन 26 दिसंबर 2002 एंड 26 जून 2006 26 दिसंबर 2002 से लेकर के 26 जून 2006 के बीच आपका बर्थ होना चाहिए और ये दोनों डेट्स भी इसमें इंक्लूड रहेंगी आप अपना बर्थ देख लीजिएगा अगर इस टाइम ड्यूरेशन में आपका आता है तो आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं अपर एज लिमिट यहाँ पर ट्वेंटी ईयर रखी गई है ठीक है ट्वेंटी वन ईयर है और एज आपको यहाँ पर बता ही दी है आप अपना बर्थ डेट चेक कर लीजिएगा ओनली अनमेरिड कैंडिडेट इसमें एलिजिबिलिटी रखेंगे मैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट एलिजिबिलिटी नहीं रखेंगे सिर्फ अनमेरिड कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखेंगे साइंस सब्जेक्ट में अगर देखें तो कैंडिडेट्स सुड हैव पास इंटरमीडिएट यानी टेन प्लस टू या इसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जो कि आपका मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड इंग्लिश सब्जेक्ट से हो तो आप इसके मिनिमम मार्क्स एग्रीगेट एंड अगर आप इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में अलग से आपका फिफ्टी परसेंट मार्क्स होना चाहिए तो आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखते हैं अप्लाई कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपने पास थ्री या डिप्लोमा कोर्स अगर आपने किया अगर आप ट्वेल्थ पास आउट इस इस तरह से आपका क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं होता है कि ट्वेल्थ में फिफ्टी परसेंट है या इंग्लिश में फिफ्टी नहीं है जो ऊपर का जो क्राइटेरिया दिया है अगर आप उसको फुलफिल नहीं करते हैं तो आपके पास सेकेंड ऑप्शन ये रहता है आपने थ्री ईयर का डिप्लोमा कोर्स इंजीनियरिंग में अगर किया हुआ है इंजीनियरिंग में कौन सा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 50 परसेंट एग्रीगेट मार्क्स के साथ और इंग्लिश में इसमें भी 50 परसेंट रिक्वायर्ड रहेगा तो भी आप इसमें एलिजिबिलिटी रखते हैं अगर ये भी आपके पास नहीं है तो थर्ड ऑप्शन आपके पास रहेगा टू ईयर का वोकेशनल कोर्स अगर आपने किया है विथ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट वो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम स्टेट एजुकेशन बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड से परसेंटेज अगेन वही 50 परसेंट रहेगी तो आप इसमें तो ये तीन कंडीशंस आपके पास है तीन में से कोई अगर एक आपके पास क्वालिफिकेशन है आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे अब ये तो हो गया साइंस सब्जेक्ट के लिए अब जिन्होंने ट्वेल्थ साइंस सब्जेक्ट से नहीं किया है वो कैंडिडेट भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं पास इंटरमीडिएट या इसके इक्विवेलेंट एनी स्ट्रीम सब्जेक्ट्स अप्रूव्ड बाय सेंट्रल या स्टेट एजुकेशन बोर्ड (S.C.O.B.S.E) मेंबर विथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ तो वो भी यहां पर एलिजिबिलिटी रखते हैं ओके okay? या फिर पास आपका होना चाहिए पास आउट होना चाहिए टू ईयर वोकेशनल कोर्स अगर आपने किया है तो इस तरह से यानी ट्वेल्थ पास कैंडिडेट किसी भी सब्जेक्ट से अपना ट्वेल्थ पास आउट हो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे अब यहां पर मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है साथ में यहाँ पर अगर हम हाइट देखें तो मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है मिनिमम 152.5 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट और हिली जोन उत्तराखंड और लोअर मिनिमम हाइट ऑफ वन फोर्टी सेवन यानी जो हिल एरियाज से रहेंगे उनके लिए रहेगा वन फोर्टी सेवन सेंटीमीटर विल बी एक्सेप्टेड इनकेस ऑफ कैंडिडेट फ्राम लद्दाख इन यहाँ लक्षद्वीप यहाँ पर रहेगा द मिनिम हाइट विल बी वन फिफ्टी सेंटीमीटर ठीक है और जो वेट रहेगा वो आपके हाइट के अकॉर्डिंगली देखा जाता है चार्ट आपको इसमें आगे दिया गया है चेस्ट मेल कैंडिडेट के लिए फाइव सेंटीमीटर एक्सपेंशन के साथ दिया गया है एंड हेयरिंग डेंटल विजुअल स्टैंडर्ड ये देख लीजिए मेडिकल टेस्ट यहां पर रहेगा विजुअल स्टैंडर्ड अब इसमें आपकी ट्रेनिंग रहेगी लीव के बारे में बताया गया है एनुअल लीव आपको थर्टी डेज़ पर ईयर आपको दी जाएगी साथ में सिक लीव्स आपकी मेडिकल एडवाइस के अकॉर्डिंग दी जाएगी तो ये हम पहले भी अग्निपथ स्कीम में सब कुछ अच्छे से क्लियर कर चुके हैं आपको किस तरह से पेमेंट यहाँ पर की जाएगी वो भी यहाँ पूरा दिया गया है ये भी हम अच्छे से जान चुके हैं फिर भी अगर आप देखना चाहें तो देखिए आपको चार साल के लिए ये भर्ती रहती है तो फर्स्ट ईयर में आपकी जो सैलरी रहेगी वो तीस हज़ार रहेगी इसके बाद यहाँ पर सेकेंड ईयर में तैंतीस हज़ार थर्ड ईयर में छत्तीस uh, हजार और फोर्थ ईयर में चालीस रहेगी इसमें से आपका फिर लास्ट में जब आप करते हैं तो इसमें दस लाख आपको यहां पर दिया जाता है जब uh, सर्विस आपकी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आफ्टर फोर ईयर अब इसमें आपका सबसे पहले तो ऑनलाइन टेस्ट होगा ठीक है so, सो इसमें ऑनलाइन टेस्ट रहेगा आपका और यहाँ साइंस सब्जेक्ट्स का दिया गया है साइंस सब्जेक्ट्स का आपका ड्यूरेशन सिक्सटी मिनट रहेगा इंग्लिश फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आएंगे सीबीएसई सिलेबस से रहेगा अगर जो साइंस सब्जेक्ट के नहीं है आर्ट्स से हैं कॉमर्स से हैं उनके लिए यहाँ पर फोर्टी फाइव मिनट्स का दिया गया है इसमें इंग्लिस एज पर टेन प्लस टू लेवल एंड रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस रहेगी साइंस सब्जेक्ट्स एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स इनके लिए अगर नेक्स्ट देखें तो इसमें एट्टी फाइव मिनट्स का ड्यूरेशन दिया गया है एंड इसमें इंग्लिश फिजिक्स मैथमेटिक्स टेन प्लस टू एंड इसमें रीजनिंग जनरल अवेयरनेस सभी के टोटल यहाँ पर मार्किंग सब्जेक्ट्स दिए गए हैं किस तरह से क्वेश्चन किए जाएंगे मार्किंग पैटर्न तो ऑनलाइन टेस्ट रहेगा वन मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड माइनस मार्किंग भी रहेगी जीरो पॉइंट टू फाइव मार्क माइनस किया जाएगा अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं साथ में इसमें आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा जिसमें आपसे टेन पुशअप्स मैक्सिमम वन मिनट्स एंड टेन सेटअप्स वन मिनट के लिए ट्वेंटी स्क्वाइड्स वन मिनट के लिए दिया जाएगा और फिर आपके ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपको मार्क दिए जाएंगे कितना टाइमिंग आप इसमें ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये मेल के लिए हो गया फीमेल के लिए यहाँ पर टेन सेटअप्स वन मिनट थर्टी सेकेंड फिफ्टीन स्क्वाइड्स वन मिनट में रहेगा एंड यहाँ पर भी आपकी टाइम के अकॉर्डिंगली मार्किंग दी जाएगी इसके साथ ही इसमें रनिंग भी रहेगी ये रनिंग इसमें दी गई है 1.6 किलोमीटर रनिंग रहेगी इसमें सेवन मिनट्स में फोर मेल कैंडिडेट एंड एट मिनट में फीमेल कैंडिडेट के लिए कंप्लीट करना होगा ओके okay, सो so ये यहां पर है मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में ये पूरा दिया गया है एंड आपका जो भी एडमिट कार्ड रहेगा उस पर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा सब कुछ रैली के दौरान आपको बताया जाएगा कि आपका एग्जाम सेंटर वगैरह कहां पर रहने वाला है सो so, ये सारे इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट रहेगा और मेल फीमेल अनमैरिड मेल फीमेल ऑल इंडिया से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसमें अप्लाई कीजिएगा एंड ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो हेल्पफुल रहा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए थैंक यू